बुरनपुर तहसील क्षेत्र के आराध्या डेयरी फार्म बनगांव पर आज 77वां स्वतंत्रता दिवस पर समाजसेवी विजय प्रताप सिंह फौजी ने झंडारोहण किया और सभी लोग झंडे को सलामी लिया। इसके बाद लोगों ने राष्ट्रगान भी गाया। वहीं समाजसेवी फौजी विजय प्रताप सिंह ने उपस्थित लोगों से बताया कि आज हम सब आजादी का आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हम लोगों को आजादी वीर महापुरुषों और वीरांगनों से मिली है, जिसे हम आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे युवा वर्ग जागरूक होकर देश के राष्ट्रीय पर्वों पर और सभी कार्यक्रमों में अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जंग बहादुर सिंह राजेंद्र सिंह पूर्व प्रधानाचार्य कौड़िया अमरनाथ सिंह रिटायर्ड बीओ संजय सिंह रिटायर्ड फौजी रामकुंवर सिंह राधेश्याम सिंह ताड़केश्वर सिंह हरगोविंद सिंह अजय सिंह ब्रिजेश पटेल आनंद सिंह आखंड सिंह आलोक सिंह कुंवर शुक्ला राकेश सिंह नितिन सिंह राधेश्याम वर्मा अशोक पटेल ब्रिजराज निषाद साधु निषाद आदि लोग मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी विजय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, लिए आप भी सुनिए। आजादी जो हमारे पूर्वजों के सहयोग और बलिदान और सहभागिता से मिली है, उन्हें आजादी पाना बेहद ही असंभव था। कहते हैं दलदल है तो क्या हुआ, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली है तो क्या हुआ, हाथ उठाए रखिए, कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। हमारे पूर्वजों ने हार नहीं माना, संघर्ष किए और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। ऐसे ही हमारे पूर्वज संघर्ष किए और हम जो है हमें आज़ादी मिली। अगर हम क्रांतिकारी जो हमारे थे भगत सिंह अशफाकुल्ला खां जो हमारे क्रांतिकारी थे, अगर हम उनकी तारीफ करें तो हमारे पास शब्दों की कमी है, लेकिन कुछ बातों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब भगत सिंह को फांसी हो गई थी, लाला लाजपत राय को जो है लोग लाठी से मारते मारते मार डाले थे, और जब सुखदेव को फांसी हो रही थी तो उनकी माँ उनसे मिलने जेल में जाती हैं, और जेल में जाती हैं बहुत रोती हैं, कहती हैं मेरे लाल तुम्हारे सिवा मेरा कौन है जो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। लेकिन हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे तो ऐसे हमारे जो वीर थे और शहीद हुए और हमारा देश जो आज़ाद हुआ, कहते हैं कि कुछ मैं भाई विजय प्रताप सिंह फौजी आज स्वतंत्रता दिवस पे आप कुछ संदेश देना चाहते हैं ग्रामवासियों को। हम स्वतंत्रता दिवस पे हम जैसे फौज से रिटायर हैं, हमारी फौज में जो शहीद हुए हैं, जो इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानी दिए हैं, उनके लिए 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन याद किया जाता है। हम उन्हीं लोगों के नमन के लिए हर साल 15 अगस्त को प्रोग्राम कराते हैं, इसमें जो कि अपने शहीदों को याद किया जाए। देखा जाता है कि जब आपने बताया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को याद किया जाता है, क्या उन्हीं महापुरुषों के वतनी जयंती मनाने तक सीमित रहे कि आगे भी कार्यक्रम चलते रहे? आगे कार्यक्रम चलते रहेंगे। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? हमारे क्षेत्रवासियों का सहयोग है कि हम आज 15 अगस्त धूमधाम से मचा रहे हैं और सभी शहीद जो कुर्बान दिए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि देते हैं। कुछ युवाओं को आप प्रेरणा देना चाहते हैं? हम अपने युवाओं को प्रेरणा देते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी दे दिए, इसी तरह हम लोग भी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा साथ रहें और संघर्ष करते रहें। जब संघर्ष करेंगे तो हमारा देश, हमारा पूर्वज, हमारे जो बच्चे हैं और हमारे युवा साथी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे।